हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा में। आज हमारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न जो अप टू 2 करोड़, यानी कि स्मॉल टैक्स पेयर जो गवर्नमेंट कहती है उसके लिए गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न को एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी बाहर निकाला है। नोटिफिकेशन 47 बकाया 2019 CBIC। लेकिन आप सभी ने ये नोटिफिकेशन शायद जो पढ़ा है तो आप सभी को मालूम होगा कि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी डाल दिया गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के साथ। तो अभी मार्केट में सबसे हर एक छोटे डीलर को, स्मॉल टैक्स पेयर को यही प्रॉब्लम है कि क्या हमको ये GST एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जो टर्न ओवर 2 करोड़ के नीचे, ये सभी को ये दिक्कतें हो रही है। क्यों ये दिक्कतें हो रही है, हम ये नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे और उसके साथ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं चाहिए एनुअल रिटर्न। अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, अगर करें तो क्या बेनिफिट भी हो सकता है। तो क्या कहता है गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन, हम डिटेल में भी समझते हैं आज उसको। तो देखते रहे हमारी इस यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 47 2019 जो 9 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, जी हाँ, लिखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंसर्न बाय द सेक्शन 148, जो गवर्नमेंट को 148 सेक्शन में जो पावर दिया गया है उसके तहत गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन बाहर निकाला है, जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर नोटिफाई दोस रजिस्टर्ड पर्सन वॉज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सेड 2 करोड़ रुपीज एंड वू हैव नॉट फाइल्ड फिनिश द एनुअल रिटर्न। यहाँ पर हर एक वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है सबको, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लैंग्वेज यहाँ पर नोटिफिकेशन में यूज़ की है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी मार्केट में ऐसा माना जाए कि काफ़ी सारा क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में डाल दिया सभी लोगों को। यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन 44 ऑफ द सेड एक्ट रीड विद द सब रूल 1 ऑफ रूल 80 ऑफ द GST रूल 2017 बिफोर द ड्यू डेट, मतलब कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के पहले एज द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में ये सब डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो ड्यू डेट जो एनुअल रिटर्न की आपको, मतलब 2017-18 और 18-19 दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर, एक गवर्नमेंट ने जो स्पेशल प्रोसीजर सच दैट द सेड पर्सन सेल हैव टू ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर चाहते हैं तो आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। किसको, तो अप टू 2 करोड़ के SSC के लिए ये बात करे गवर्नमेंट। सच दैट द सेड पर्सन सेल हैव द ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44(1) ऑफ द सेड एक्ट रीड विथ सब रूल 1 ऑफ रूल 18 ऑफ द सेड रूल्स। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह भी लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी है कि प्रोवाइडेड दैट द सेड रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड, मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर आप ड्यू डेट के पहले अपने आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये मान लिया जाएगा कि आपके जो भी डेटा है उस हिसाब से आपका रिटर्न फाइल हो गया, ऐसा माना जाएगा। ड्यू डेट इफ द है If it has not been furnished before the due date, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही हुई है कि गवर्नमेंट ने ये लाइन जो लास्ट में वर्ड्स डाला है कि ड्यू डेट के तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको फाइल्ड माना जाएगा। और अभी हम आगे समझते हैं कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है और आपको ये रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। अगर हम चर्चा करें एज़ पर नोटिफिकेशन 47 2019 के, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि उसे ड्यू डेट अर्थात यानी कि 30 नवंबर 2019 जो ड्यू डेट थी, मतलब वहाँ तक आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर इसका हम अर्थ
जो मतलब मीनिंग निकाले तो ऐसा होता है कि रिटर्न उसने मासिक भर रखे है, मतलब आपने सभी हर एक मंथ के रिटर्न भी फाइल कर दिए है। यहाँ ऐसा माना जाएगा कि आपने हर एक महीने के रिटर्न फाइल कर दिए है, गवर्नमेंट ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट मान लेगी कि आपने हर एक रिटर्न कम्प्लीटली फाइल भी किए है। और उसके द्वारा सही जानकारी अर्थात माने कि बाद में अगर कोई भी फ़र्क निकलता है तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 47 जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 74 जो एक उसके तहत आपको नोटिस भी मिल सकता है आगे जाके, और उसको अगर आप हम डिस्कशन करें तो ये हैज़ पर नोटिफिकेशन मिनिमम 25% से भी ज़्यादा यानी कि 100% पेनल्टी आपको लग सकती है अगर इसमें आपने कुछ भी गलती निकलती है बाद में। हैज़ पर सेक्शन 74 के तहत आपको 25% पेनल्टी भी लग सकती है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हर एक टैक्स पेयर को मेरी एक ही यहाँ पर बात बतानी जरूरी है कि अगर आपने मालूम है कि आपका GSTR 9 के डेटा आपने हर एक रिटर्न सही फाइल किया है तो आप प्लीज़ रिकनसाइल कर लीजिए अपने हर एक मंथ के रिटर्न को एनुअल रिटर्न के साथ, और अगर पूरा मैच होता है आपका रिटर्न तो बेदिक्कत आप खुद फाइल कर दीजिए और बेफिक्र रहे, क्योंकि अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो उसके बाद आपके पास ये लास्ट चांस है, उसके बाद आप रिटर्न में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर मान लेगी कि आपके हर एक रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है और सही है, उस हिसाब से वो ऑटो फाइल्ड माना जाएगा। जो अभी तक का नोटिफिकेशन 47/2019 है, हम हर एक टैक्सपेयर यही चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन दे। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर दे अप टू 2 करोड़ के टैक्सपेयर, तो ये भी अगर सोच रहे काफ़ी टैक्सपेयर के क्या हमको इसके रिगार्डिंग नोटिस मिलेगा, हमने ना रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगर कुछ मिसमैच आया तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेक्शन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप उसकी भी फिक्र मत करें। क्योंकि लेकिन हमारी यही सलाह है कि अगर आपका रिटर्न आपको मालूम है सभी डेटा अगर आपका मैच हो रहा है तो आप खुद से रिटर्न फाइल करके इसमें से टेंशन फ्री हो सकते हो। आज की वीडियो में फिर बस इतना ही, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द टैक्स मित्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।